हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार सेट बाय। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर डेजा वू का क्या मतलब होता है। 2022 में एक इसके ऊपर मूवी भी आई थी, करेक्ट, डेजा वू। तो जानेंगे इस वीडियो में आखिर इसका क्या मतलब है इस शब्द का। तो देखो, अगर सिंपल भाषा में बात करें कि आखिर डेजा वू क्या है, तो डेजा वू का सिंपल मतलब है कि फ्यूचर में जो भी चीज होने वाली है, करेक्ट, फ्यूचर में जो भी चीज होने वाली है उसका पहले से ही तुमको आभास हो गया, करेक्ट। तुमको ऑलरेडी पता चल गया कि फ्यूचर में ये चीज होने वाली है, और इस चीज को हम बोलते हैं डेजा वू। ओके, और वो एक्चुअल में हुई तो इसको बोलते हैं डेजा वू। तो कुछ लोग जो स्पेशल लोग होते हैं, ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ लोगों में पाई जाती है, नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मूवियों में जनरली दिखाया गया है। ओके, इसके ऊपर एक मूवी भी 2022 में एक मूवी आई थी डेजा वू नाम से। और तुमने एक सीरीज देखी होगी फाइनल डेस्टिनेशन, इसकी बहुत सारी सीरीज हैं। इसमें जो हीरो है उसको एक्चुअली डेजा वू है, उसको पहले से आभास होने हो जाता है कि कल इतने लोग मरने वाले हैं। ओके, और फिर वो पुलिस को बताता है तो पुलिस मानती नहीं है, फिर एक्चुअल में घटना हो जाती है वैसी। पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है कि आखिर तुमको कैसे पता, या तो तुमने मर्डर की है। तो फिर वो बताता है कि मुझे डेजा वू है। ओके, मुझे पहले से आभास हो जाता है कि आखिर ये चीजें क्यों, कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं, ये ब्रिज गिरने वाला है, ये आदमी मरने वाला है, करेक्ट। बहुत सारी चीजों का उसको पहले से आभास हो जाना, इसको हम बोलते हैं डेजा वू। अब ये एक्चुअल में होता है कुछ लोगों के साथ या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, करेक्ट। अगर तुमको आइडिया है तो मुझको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, अगर ऐसी घटना तुम्हारे साथ कभी हुई हो, करेक्ट, कि तुमने सोचा, तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस आया कि ऐसा होने वाला है और एक दो दिन में वैसा ही हो गया, तो इसको इसका मतलब तुम्हें भी ये डेजा वू जैसी चीजें आने लगेंगी। स्टार्टिंग में मतलब जनरली जो लोग 10, 20 से 30 साल के लोग होती हैं उनमें ये जनरली ज्यादातर, जनरली कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को ये ऐसा आभास होता है। ओके, और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये फीलिंग कम होने लगती है, क्योंकि उतना तुम्हारे ऊपर बर्डन और लोड ज्यादा होने लगता है कि ये सोचने की समय ही नहीं मिलता है। ओके, तो ये डेजा वू एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू तुमको फ्यूचर का आभास होने लगता है। ओके, तो एक्चुअल में है या नहीं आई डोंट नो, बट ऐसा देखा गया है। ओके, तो धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में, जानने के लिए अच्छी अच्छी बातें। धन्यवाद।